आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी भिंडी। उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। तेल 2 टेबलस्पून, 400 ग्राम भिंडी हमने ली है, उसको अच्छे से धो के अच्छे से सुखा लिया, गीला नहीं रखना भिंडी को बिल्कुल भी, नहीं तो ये लेसली बनेगी। और उसको ऐसे छोटे पीसेस में काट लिया, आप अपने हिसाब से भी काट सकते हैं। उसका आगे का और पीछे का हिस्सा निकाल लेना है और बीच के ऐसे टुकड़े कर देने हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर उसकी प्यूरी बना ली है, अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, मेथी पाउडर हमने इसका पाउडर लिया है, आप साबुत मेथी दाना भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून, सौंफ का पाउडर 1/2 टीस्पून, राई 1/2 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार या 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं कम भी डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून। तो चलिए भिंडी बनाना शुरू करते हैं। गैस चलाएंगे, गैस को हम मीडियम पे रखेंगे, तेल डालेंगे, आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम होने देंगे, तेल हमारा गरम हो चुका है, गैस करेंगे सिम। अब ये अचार के मसाले डालेंगे, मेथी दाना पाउडर, राई, कलौंजी और सौंफ का पाउडर, स्टर करेंगे इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनेंगे बिल्कुल सिम पे। इन सब मसालों को हम 1 मिनट तक भूनेंगे क्योंकि मेथी दाना थोड़ा कड़वा होता है, उसको भी थोड़ा भूनना है, और राई भी कच्ची होती है उसको भी थोड़ा भूनना है। खुशबू आनी शुरू हो गई मसाले भूनने की। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे, गैस मीडियम पे कर देंगे। प्याज हल्का गुलाबी हो चुका है, अब इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे, अच्छे से स्टर करेंगे और बाकी के मसाले भी डाल देंगे। गैस मीडियम पे ही रखनी है, नमक डालेंगे, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और अमचूर, अच्छे से स्टर करेंगे और मसाले को 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे सब मसाले अच्छे से भुने जा चुके हैं, देखिए तेल भी छोड़ दिया मसालों ने। अब इसमें हम भिंडी मिक्स करेंगे, स्टर करेंगे अच्छे से, मिक्स करेंगे इसको। अब गैस करेंगे सिम पे और इसको ढक के रखेंगे, फिर हर 2-3 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, अब भिंडी को चेक करेंगे और स्टर करेंगे जब तक ये पक नहीं जाती, ऐसे ही 2-3 मिनट बाद बीच बीच में चेक करते रहेंगे और इसको हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये सब मसाला नीचे बैठ जाता है और वो जलने का भी डर होता है इसका। 20 मिनट बाद इसको चेक करते हैं, 20 मिनट हो चुके हैं, अब भिंडी को चेक करते हैं। ये देखिए भिंडी हमारी पूरी तरह से अच्छे से गल गई है, मसाले भी पक गए हैं, तो सब्जी हमारी तैयार है। अब गैस करेंगे बंद और इसको एक बोल में ट्रांसफर करेंगे, इसको बनाने में 20 मिनट लगे हैं। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी अचारी भिंडी। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।